हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ओके, आज मैं आप सबके लिए एक स्मॉल स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नेम है द हंटर एंड द पीजन्स। तो इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ समय की बात है, एक पेड़ पर कबूतरों का झुंड रहता था। वो अच्छे से खुश रहते थे और आसमान में उड़ते रहते थे और उनका दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होता था। आपस में बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन वह सब ग्रुप में स्काई में फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने नीचे देखा कि वहां पर बहुत सारा गेहूं के दाने पड़े हैं। तो वो खुश हो गए कि आज तो हमें पेट भर खाना भी मिलेगा और घर ले जाने को भी मिलेगा। तो वो नीचे दाना चुगने के लिए गए। जैसे ही वो दाना चुगने के लिए नीचे गए तो उनके ऊपर जाल गिर गया और वो सब जाल में फंस गए। उनको नहीं मालूम था कि ये तो उनके लिए एक जाल बिछाया गया है। The pigeons were scared. वो बहुत डर गए। They knew that they were going to die. उनको पता था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और अब हम मरने वाले हैं। But जो उनका king था वो काफी intelligent था, बहुत wise था। तो उसने सोचा कि अगर हमारे पास कोई choice नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब try ही नहीं करेंगे। At least हमें सोचना चाहिए, कुछ ट्राई करना चाहिए। तो उसने डिसाइड किया कि अगर हम सब साथ में मिलके फ्लाई करेंगे तो हम इस नेट को भी अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। तो बाकी पिजन्स ने कहा कि ऐसा कैसे होगा, हम तो इतने स्मॉल स्मॉल हैं और पिजन, हम सब सारे पिजन भी मिलकर उड़ेंगे तो मुश्किल होगा। तो बट किंग ने कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे, कोशिश करे बिना हार नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कोशिश किया, एक बारी, दो बार और तीसरी बार उनकी कोशिश कामयाब हो गई और वो देखिए जाल के साथ आसमान में कैसे उड़ गए। फिर उसके पिजन के दूसरे फ्रेंड ने कहा कि हम आसमान में तो उड़ गए हैं लेकिन ये जाल तो हमारे साथ फंसा हुआ है, हमारे पैरों में फंसा हुआ है, अब हम क्या करेंगे। तो किंग ने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है रेट, उसके पास चलते हैं, वो हमारी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। तो उनका फ्रेंड रेट अपने फ्रेंड के साथ मिलके उनकी हेल्प की, उनका जाल उतर दिया और उनको फ्री कर दिया। ऑल द रेट्स केम आउट ऑफ देयर होल्स एंड वर्कड ऑन द नेट एंड दे कट द थ्रेड ऑफ द नेट विद देयर शार्प टीथ, क्योंकि जो रेट होते हैं इनके टीथ काफी शार्प होते हैं। तो उन्होंने जल्दी से काट के इनको फ्री कर दिया और ये बहुत हैप्पी हो गए और फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए वहां से जल्दी से भाग गए ताकि शिकारी फिर से ना आए। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि यूनिटी में कितनी स्ट्रेंथ होती है, एकता में कितना बल होता है। अगर हम अकेले कोशिश करें तो शायद नहीं होता, लेकिन हम दो जन मिलकर कुछ काम करते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छे से होता है। वैसे इन सब पिजन ने मिलकर अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व किया और अच्छे से ये फ्री भी हो गए। तो उसी तरह से हम सबको मिलकर रहना चाहिए साथ में। आप चाहे फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली में हो, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको टेंशन हो, कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मिलकर सामना करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो एकता में बल है, आज ये हमारी स्टोरी का मॉरल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा एक्चुअली में थोड़ा गला खराब है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, सुन समझ आई होगी स्टोरी की मैंने क्या कहा। सॉरी अगर नहीं अच्छे से सुना होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।